तो टिकट काउंटर पे आ गए, ले लिया है। और ये 16 टिकट का 640 रुपया है। और हाँ, 15 साल से बिलो का तो ये नहीं ना है। आ चुके हैं हम लोग अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन द लिटिल मीनिंग ऑफ नालंदा। हिस्ट्री सेज द वर्ड नालंदा डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, नालम एंड द। वन इज नालम एंड नेक्स्ट इज द, बोथ आर संस्कृत वर्ड। नालम मीन्स लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज, एंड द मीन्स टू गिव। हियर नॉलेज वाज। आज हम जो बिहार राज्य में रह रहे हैं तो ये आपका प्राचीन मगध राज्य, और उस समय मगध राज्य की राजधानी आपका राजगृह था। राजगृह कौन सी सदी में था? ये 5वीं सदी। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था। जी जी सुने हैं। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं या नालंदा के बारे में जो भी बातें आपने पढ़ी है, तो समझिए कि वो ह्योनसांग की डायरी है। एक लंबा समय वो बिता रहे तो 6th century AD में 5 वर्ष स्टूडेंट के रूप में, 4 किलोमीटर चौड़ा, बाकी पे गांव बसा है, उनकी अपनी खेती हो रही है, इसलिए संभव नहीं है आगे खुदाई करना। हम जो देखेंगे ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद नालंदा विश्वविद्यालय जो आपने पढ़ा, 3 लाइब्रेरी का नाम जी, किताबों की संख्या कहा जाता है कि उसमें 9 करोड़ किताबें थी। नहीं सारे जगह जब आग लगी, नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीना जल पड़ा, पीछे चलिए, उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला बन गया। ऊंचे दीवार आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे मिट्टी से ढका हुआ था, जो खुदाई से निकाला हुआ। इसकी खुदाई ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट लॉर्ड केनिंघम, जिसको फादर ऑफ आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उसने इसकी खुदाई करवाया 1915 to 1937। उसके बाद ये हमारे सामने आया। ह्योनसांग ने जो बातें लिखी थी वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी खुदाई है मात्र 10%, अभी 90% अंडरग्राउंड है। तो ये दीवार खुदाई के बाद निकला और जिस पोजीशन में जैसे था वैसे ही है। इसमें आपका आज भी 80% से ज़्यादा ब्रिक ओरिजिनल है, 20% ट्रिपलर। ईंटे की जुड़ाई के लिए उसमें सीमेंट नहीं होता था, मटेरियल के रूप में वो लोग खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती थी जो सीमेंट से ज़्यादा टिकाऊ होता था। और जहाँ कहीं सीमेंटेड स्लैब आप देखें, आर्कोलॉजी का वो नया सपोर्ट है। ओरिजिनल गेट नहीं मिला है क्योंकि पूरी खुदाई हुआ नहीं, इसलिए ओरिजिनल गेट कहाँ है किसी को पता, किसी को नहीं। लेकिन इतिहास आपको बतलाता है कि उस समय विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक गेट हुआ करता था। एक मिनट, आप लोग जो है ना ये ईंटें देख लीजिए, ये जो ब्रिक आप देख रहे हैं ये 1400 वर्ष पुराने ईंटें हैं, आज भी इसमें स्टेबिलिटी काफ़ी। ईंटें की जुड़ाई के लिए वही ओरिजिनल मटेरियल है जो उस समय यूज किया गया, खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़ जो खुदाई में निकला है। और जहाँ कहीं ये सीमेंटेड स्लैब है, आर्कोलॉजी का नया सपोर्ट है। ये दीवार जिसकी कटाई करके रास्ता निकाला, दीवार की मोटाई आप देखें 9 फीट मोटी दीवार। अब आप लोग अंदर आइए और देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। विश्वविद्यालय को 2 भाग में बांटा है, एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य बोला। मोनास्ट्री का मतलब होता है जहाँ विद्यार्थी रहते पहुंचे, तो हम लोग अभी मोनास्ट्री में। इस तरह से एक मोनास्ट्री में ऐसे छोटे छोटे 30 कमरे, एक रूम एक विद्यार्थी। अच्छा, ये कमरा है? जी हाँ, ये हॉस्टल है। अगर उस समय 10,000 विद्यार्थी हैं, जिसको ह्योनसांग ने लिखा है स्पष्ट कि उस समय विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, पढ़ने वाले विद्यार्थी 10,000, 1500 टीचर, तो इस तरह से एग्जैक्टली वैसे ऐसे ऐसे सारे कमरे उन लोगों के लिए बने हुए थे, क्योंकि काफी संख्या मान के एरिया था इसका बहुत। लेकिन खुदाई अभी 10% था, इसलिए 11 मोनास्ट्री था मात्र। जब 12वीं सदी में नष्ट होगा तो ऊपर का हिस्सा था, इसलिए वो पूरी तरह से डैमेज। रूम के आगे बरांडा, बरांडा से आगे का एरिया आंगन, घर का जो आंगन होता था वही उनकी पढ़ाई होती थी। प्रत्येक आंगन है वो पढ़ाने पढ़ने के, वो जो दीवार देख रहे हैं सीढ़ी के उस तरफ, तो वो सारा का सारा एरिया जो है आंगन। और प्रत्येक गेट पर एक द्वार पंडित, जैसा सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही होता था। 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछा गया, मैंने बताया गया कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, 3 का जवाब, यानी जो 30% पासिंग मार्क वो आपका ही है नालंदा विश्वविद्यालय। कवर्ड मटेरियल हम लोग नालंदा के खंडर में है और अंदर जा रहे हैं। मैक नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गया, मैक लेना था। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ था उसका नाम था तक्षशिला। जब भारत बटा वो चला गया पाकिस्तान का, ये दूसरा
तीसरा था विक्रम शिला विश्वविद्यालय भारत, लेकिन इंडिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की अगर बात आएगी तो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा आप इसको बोलेंगे। यहाँ का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत है। आप ये भी जान लीजिए कि बौद्ध धर्म का जो मेन लैंग्वेज होता है ना वो पाली भाषा, संस्कृत जो किया गया है वो पाली भाषा में किया गया। लेकिन यहाँ का था संस्कृत, वो इसलिए कि बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई छोटे छोटे सेक्ट में बटा। आपने पढ़ा होगा हीनयान महायान बौद्धयान, दो कंस्ट्रक्शन के बीच यानी रास्ते किधर सारे मोनास्ट्री हो गया जहाँ बहुत पहुँचते हैं। ये 11 का फिगर है। प्रत्येक मोनास्ट्री के चारों तरफ कमरे बने हैं, एक एक रूम एक एक विद्यार्थी। रूम के आगे बरांडा हो गया, इसके आगे आंगन है सारे जहाँ इनकी पढ़ाई होती थी। रास्ते किधर सारा एरिया हो गया चैत्य एरिया, जैसे एक देखे ना वहाँ पे छोटा छोटा वही छोटा छोटा चारों तरफ इस तरह से बना होता था। ये बरांडा है, ये आंगन है, इसमें रहते थे और इसमें आकर के पढ़ते थे। इस तरह का कितना ब्लॉक बना हुआ है अभी? एग्जैक्टली 11 मिले हैं, 11 मिला है। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो 324 मोनास्ट्री थी। सबसे पहले विश किया यानी उनका जो मंत्र होता है उनका हुए लोग अपने अपने क्लास और होटल में जाते हैं। अब आप लोग चलिए देखिए इनका क्लासरूम और ड्रेनेज सिस्टम है, नहीं पानी निकल जाता है इससे, यहाँ से पूरा अंदर बाहर चला। इतना छोटा ड्रेन सिस्टम देखो, और इससे स्पष्ट होता है कि आपका जो पहला है वो जस्ट इसके नीचे है, जमीन के नीचे है। पोजीशन चेंज नहीं किया इसको, मैंने कि उसको फिल किया है लेकिन पोजीशन वही है। रूम के बारे में वेलकम लिखा था, उस समय रूम का जो टेम्परेचर होता था बिल्कुल मॉडरेट, मतलब नेचुरल टेम्परेचर। हाथ वगैरह कहीं मत डालिएगा दीवार के मोटाई के कारण, क्योंकि चारों तरफ रूम का ये जो रूम का दीवार है उसकी मोटाई 6 फीट है। और प्रत्येक दरवाजे पे लकड़ी के गेट होते थे कि वाह, लॉक करने के लिए कुंडी की व्यवस्था थी। और ये जो छोटे छोटे आले बने हैं दरवाजे से, यहाँ पे वो लोग मसाल रखते थे लाइट के लिए, रात में लाइट के लोग मसाल रखते थे। ये सारे हॉस्टल आपने देखा, अब चलिए देखते हैं इनका क्लासरूम जहाँ इनकी पढ़ाई होती है। 1800 साल की बात। अब जानिए ये अभी के अनुसार आपको नहीं सोचना है, आप अपने आप को लेकर चले जाइए 1600 वर्ष पहले। 1600 साल पहले आप सोचिए कि हम नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो जो बच्चे यहाँ रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट रहने वाले हैं मात्र 30 और 32, तो वो सारा कलेक्ट यहाँ होगा। और ये लेक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ से टीचर पढ़ाते हैं। सारे ब्रेकेज स्टोन पिलर है यानी इसके ऊपर छत भी होगा। क्लियर है? ठीक है। बीच को बोलते हैं माइका, माइका पढ़े होंगे हाँ। उस ओरिजिनल माइका है, उसके ऊपर मोटा लेयर ग्लास जैसा माइका होता था। अच्छा। उसका मेन कारण था जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की रोशनी माइका पे पड़ा और लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे एरिया में फैला और मूर्ति पर पड़ी तो उसका नेचुरल ब्यूटी काफ़ी पड़ गया, बढ़ गया। अभी भी अगर सनसेट हो जाएगा ना उसको टॉर्च मारेंगे लाइट करेंगे तो वो अभी तो डैमेज है लेकिन उसमें का शाइनिंग जो धनुष का आधा हिस्सा आप वहाँ से देख कर आ रहे हैं, यहाँ देखिए कंप्लीट शेप ऑफ वो जो स्पष्ट करता है ये कुमार गुप्त का है। अब आप लोग जानेंगे विश्वविद्यालय का मेन आइडेंटिफिकेशन, कोई भी बौद्धिस्ट कंट्री रहेगा ना तो उसका मेन अट्रैक्शन ये है। इसके बारे में आप जानिए, इसका नाम है सारिपुत्र स्तूप। सारिपुत्र नाम के एक आदमी थे, बुद्ध के सबसे पहला शिष्य नालंदा से। उनका जन्म और मृत्यु यही हुई, मृत्यु के बाद जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से हुआ, जो राख 50 थी उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रख के इसके ऊपर मिट्टी का आश्रम बना दिया। 3rd century BC में आपने पढ़ा होगा मगध के राजा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा इसका। इतिहास आपको भी बतलाता है कि सम्राट अशोक पहला राजा हुए जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की। तो बिफोर क्राइस्ट यानी विश्वविद्यालय बनने से पहले नालंदा का पहचान बिहार था, और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्धिस्ट वालों का निवास स्थान। आज जो हम बिहार लिखते हैं BIHR तो ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा आपका BIHR बिहार। लेकिन जब विश्वविद्यालय के रूप में सेटअप इसको कुमार गुप्त ने कर दिया तो ईंटे से पहला कंस्ट्रक्शन उसी ने दिया। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो उससे नीचे का जो पहला स्टेयर है कुमार गुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल जैसे बिल्डिंग आपने समझ है। लेकिन इतिहास कहता है किसी का है वो इसके अंदर लपड़ा है, ये पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं है।
अच्छा कंप्लीट ईंटें से है अंदर, सॉलिड होल नहीं है, नहीं होल कहीं पे नहीं, पूरी तरह से। और वो जो कॉर्नर पे राउंड देख रहे हैं इसे, जो बीच में इसे आले बने, उस तरह के राउंड आपको कहीं भी दिखे यहाँ, या तो कोई भी बौद्ध साइट पे, बोध गया हो चाहे वैशाली हो कहीं भी, तो आप उसको बोलेंगे भोटी वस्तुपा। भोटी का मतलब होता है मनोती, भी ओटी आई भी, भोटी का मतलब मनोती वस्तु, जिनकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो गई वो बनवा दिया वैसे राउंड। वैशाली में तो बहुत सारा है बना हुआ, तो आप इसी से जोड़ेंगे। बहुत सारा है वैशाली, वो देखिए सर, वो जो बड़ा वाला राउंड देख रहे हैं, बड़े राउंड को बुद्ध की मूर्ति से जोड़ना है, उसके जस्ट बगल में स्क्वायर बने हैं जिस पर स्टूडेंट बैठकर प्रेयर करते थे मेडिटेशन, तो स्क्वायर जो शेप में है वो प्रेयर मेडिटेशन से रिलेटेड। अच्छा। और बड़े राउंड के पीछे जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे राउंड, छोटे छोटे राउंड बना है, ठीक है, तो वैसे राउंड को आप कहेंगे मेमोरियल, मतलब जिन विद्यार्थियों का निधन, क्योंकि उस समय पढ़ने के लिए चीन जापान कोरिया से आते थे, कम्युनिकेशन नहीं है आपके यहाँ, तो वैसी स्थिति में उनका अग्नि संस्कार हुआ और उन्हीं के अस्थि को जमीन में रख के एक छोटा सा माने कि एक सेमी सर्किल बना दिया, जो मेमोरियल के रूप में जा रहा था। उसमें दो शेप में मिलेगा, कुछ बड़े कुछ छोटे, बड़े को सीनियर और छोटे को जूनियर स्टूडेंट से दिल, तो ये सारी बातें जो है ह्वेनसांग स्पष्ट लिखा। ह्वेनसांग तो बहुत दिनों तक रहे हैं जी, हाँ पढ़े भी और पढ़ाए भी, दोनों काम किया उन्होंने। और ये आपका हो गया चैत्य, मतलब मंदिरों का हिस्सा, हाँ। खुदाई में आज तो मंदिर का कुछ भी ऐसा हिस्सा नहीं, लेकिन हाँ बस वो जो टीला देख रहे हैं उस जमाने में कभी मंदिर थे, जो रिमेन्स मिले हैं जैसे ब्रेकेज स्टोन इमेज है, ब्रोंज में जलवे चावल का ब्रेंस, यहाँ पर ले लीजिए इसका ये सील सीलिंग टेराकोटा, तो ये सारी चीजें म्यूजियम में रखी। एक रिसेंट हिस्ट्री अपने जमाने की एक फेमिलियर फिल्म, कभी शायद आपने देखी होगी, आपने नहीं देखा होगा लेकिन देखिए, कोशिश कीजिएगा। ब्लॉग बनाओ। तो अभी है हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, हम लोग रांची पहुंच गए, और दिखाइए आप कहाँ पहुंच गए। रांची बोलती राजगीर, चलो बोलो। अच्छा ये नालंदा खंडर है, बोलो। मैं नहीं बोलू, बोलो बोलो। अब मस्ती नहीं, बाबू ओए लड़का इधर आओ, इधर आओ, देखो इधर, यहाँ देखो, कहाँ जा रहे हो, इधर इधर यहाँ देखो। चलो चलो यहाँ चलो, हम लोग को नहीं दिया। आ जाओ आप लोग, नहीं लिए फोटो डैडी, हम एकदम गर्म पानी यहाँ पे अच्छी आइए। लोग यहाँ से घूम चुके हैं और वापस इस नालंदा खंडर से निकल रहे हैं, बाहर बाहर जाते हुए एसएस का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, अंदर से आर्किटेक्चर और अच्छा है, खूबसूरत है। ये दीवाल की जो चौड़ाई है बहुत ही ज़्यादा है, 9 फीट की दीवाल है, जो इसलिए इतने दिनों से चली हुई है चौड़ाई 9 फीट। ये नया आर्किटेक्चर है इसमें, जो क्योंकि इसका एंट्रेंस का कुछ पता नहीं चला। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये नालंदा खंडर के एंट्रेंस की जगह का, जो काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा लगा यहाँ आने का। फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन अच्छा लगा। बाहर आ चुके हैं, ये रहा गेट बाहर निकलने के लिए। कैंटीन तो है लेकिन कैफेटेरिया बंद है। टिकट काउंटर उस साइड में है। ये रहा हम लोग गेट, जो कि बाहर आ चुके हैं अब। चलिए फाइनली हम लोगों ने नालंदा खंडर विश्वविद्यालय का खंडर देख लिया। हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर जो था वो हम लोगों ने देख लिया और विश्वविद्यालय के बाहर आ चुके हैं। ये हमारे पीछे जो है ये इसका गेट है एंट्रेंस का। एक पर पर्सन 40 रुपीज टिकट है और 15 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए ये फ्री है। 15 साल के नीचे वाले बच्चे यहाँ फ्री जा सकते हैं।